वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा वकार व्लॉग्स। तो आज सैटरडे है, हम जैसे कि आपसे वादा किया था इस वीकेंड फिर आपके साथ हैं एक न्यू ब्लॉग लेके, एक न्यू कंटेंट लेके। और हुरैन हमारे साथ है। हुरैन आप कहाँ जा रही हो? हुरैन ने जो है वो लिपस्टिक भी लगाई है। तो सब रेडी हो गए, बच्चे रेडी हो गए, मैं रेडी हो गई हूँ और विकी अभी रेडी हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। यार मैं सो के उठा हूँ अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं सो के उठ के नहा के और ड्राइविंग सीट पे बैठ गया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आयशा हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हाँ तो अभी तो मैं बताया तो है मैंने सब गाड़ी में यार। सूट की जो है वो लेस लेने के लिए हम जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे उसके बाद। उसके बाद जहाँ भी जाएंगे हम बता देंगे। हाँ उसके बाद जहाँ भी जाएंगे हम आपको अपने साथ रखेंगे, ठीक है? तो अभी आप मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट दीजिए ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और थोड़ा सेंसेस काम करने लग जाए। हुरैन वही थी। हुरैन व्लॉग बना रही भाई। हुरैन भी आजकल व्लॉग बनाती है। भी व्लॉग बनाती है आज। 5-10 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है, थोड़ा पानी शानी पी के। हेलो। थोड़ा दिमाग पीछे उन्होंने बोला हम खुद ही हेलो हाई कर ले। गोल्ड मार्क आते हैं। एक ही शॉप है, यहाँ से जो है हम दुपट्टा लेंगे और दुपट्टा लेकर फिर हम ऊपर जाएंगे लेस लेने। यार हम लोग पहुँच गए हैं। वीडियो में अंदर ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो यार हम लोग आ गए हैं गाड़ी में और अंदर बहुत ज़्यादा रश था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी काम किया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। मतलब आपको सिर्फ दुपट्टे की ही शॉप की वीडियो दिखा सकी। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरा काम तो हो गया है फारिक, अब आप बताएं आपने कहाँ जाना है। मैं डॉक्टर के पास गई थी सुई लगवाने। तो भाई फाइनली जो है वो डिसाइड कर लिया मैंने, हम जा रहे हैं हाईवे मटन कढ़ाई खाने। पहले KFC हमारा अड्डा हुआ करता था, अब मुझे लग रहा है कि जो है ना ऐसा ये हाईवे हमारा अड्डा हो जाए। यार मेरा मटन कढ़ाई खाने का काफी अरसे से दिल चाह रहा है। मटन कढ़ाई खा के आते हैं, वो भी हाईवे की। एक अच्छी ड्राइव भी हो जाएगी, मजा भी आएगा और साथ साथ फिर जो है वो मटन की भी बड़म बाड़ी हो जाएगी। सही हड़ा उड़ी करे ना मटन के साथ हड़ा उड़ी। हम लोग जो है वो स्टॉप लिया है हमने पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरवाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे हाईवे के लिए। 13 अक्टूबर को अबीर की बर्थडे थी तो अबीर ने अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर ली थी, उनको ट्रीट वगैरह दे दी थी ओशन मॉल में जाके, उन्होंने उससे सेलिब्रेट कर ली थी। लेकिन हमने उसको नहीं बताया था कि आज हम लोग हाईवे जाएंगे, एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। केक तो हमने घर पे कट कर लिया था लेकिन ये है कि हम उसको एक छोटा सा डिनर देंगे हाईवे पे। तो ये डिनर स्पेशली उसने बोला मुझे मटन कढ़ाई खानी है तो वो हम उसको मटन कढ़ाई खिलाने के लिए ले जा रहे हैं हाईवे पे, लेकिन उसको नहीं पता है। लोग हाईवे पे हैं, बस पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट हम लोग उस्मानिया। तो यार महीने में एक आध मरतबा जो है ना आपको अपनी फैमिली के साथ ऐसे सुकून से जो है ना लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, सुकून आता है, मेंटली आप रिलैक्स होते हो। हम लोग पहुंच गए हैं, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत मतलब बैठने की स्पेस, बकरे लटके हुए इधर तो देखो, इधर तो देखो। हाँ। बकरे शकरे। बैठने की स्पेस बहुत ज्यादा है, ये इनका किचन वगैरह सारा। बकरा शकरा लटका हुआ भैया बकरा। मतलब यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा भी रश हो तब भी आपके पास बैठने की स्पेस बहुत होती है, सुकून से आप बैठो और आराम से आप अपना खाना एंजॉय करो, आराम से बकरा फोड़ो। चलें जी उस्मानिया आ चुके हैं, अब हम जो है बैठने की जगह ढूंढते हैं। टॉयज लगे में बैठ गए ये सामने। आज जो है ना बकरा अपना खुद देखेंगे जाके, बकरा अपना ना खुद देखेंगे जाके कि कौन सी बोटियां वो डाल रहा है, खुद कटवा के बनवाएंगे आज। तो ये इनका चलते हैं मेन्यू आ गया और ये इनका सीटिंग एरिया है पूरा का पूरा, सुकून बिल्कुल, कोई ज्यादा रश भी नहीं है और कुछ भी नहीं। ऊपर भी है ये, नीचे भी, अंदर भी है। और ये है इनका मेन्यू। तो कहाँ है मटन कढ़ाई में देखो ना, मटन 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 पेशावरी कढ़ाई फी किलो, मटन ब्राउन कढ़ाई। ये रेट्स भी आपके सामने आ रहे हैं, ये पर केजी के हिसाब से। डिनर किस खुशी में? हाँ ये तो मैं किसने कुछ कुछ फहमी में बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किस खुशी में?
उसकी कौन सी रियासत लुट गई है, रियासतें लुट गई है उसकी, कभी भी रियासत का लुटा हुआ सुल्तान बन के बैठा हुआ है। यार क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? खाना खाना पड़ेगा। अबे आओ मेरे यार रब्बा, आज फिर खाना खाना पड़ेगा। वही अल्लाह की कसम निकली। उरेन उरेन अपना ही एंजॉय कर रही है भाई। अंकल सारे लेग के पीस, सारे लेग के पीस रखते हैं जान पे, बस जो जबर मेरे ख्याल से लेग ही अच्छा लगेगा सबसे। हाँ लेग वाला ही लगाएं अच्छा सा एक। मटन कढ़ाई हमारी आ गई है, साथ में तंदूरी पराठे, और अब खोलते हैं मटन कढ़ाई। और फ्राइज भी मंगवाए हमने नोरेन के लिए। मटन कढ़ाई आ चुकी है, अब करते हैं थोड़ी फोड़म फाड़ी। खाना हमने खा लिया है, अभी भी कढ़ाई बची है ना, थोड़ी सी है, बिल्कुल तीन चार बोल। हाँ, सब ने खाना खा लिया, अबीर अभी खा रहा है, और ये फ्राइज विकी फ्राइज खाएगा। अब खाना खाते हैं, बिल देते हैं, और उसके बाद अब आपसे डायरेक्ट गाड़ी में मिलेंगे। चलो भाई वीआईपी उस्मानिया को करते हैं गुड बाय, ये तो कुल्फियां खा रहे हैं बैठ के अब आराम से। भाई ये वीआईपी उस्मानिया की वीआईपी कुल्फी है, ये पहले नहीं थी लेकिन है अभी आई है। तो अबीर कैसा लगा तुम्हें बर्थडे डिनर अपना? अच्छा लगा बिल्कुल। तो भाई खाना बहुत ही मजे का था, मटन कढ़ाई इनकी हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, लेकिन मटन मटन है यार, बहुत मजे की थी यार। और जो बात है यार, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अच्छा सा एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए लाए थे, एक अपनी सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर की थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।